गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपनी सबसे पहली सेटिंग की, जिसमें क्या होता है अगर आप अपने फ़ोन को लॉक करते हैं तो उसके बाद लॉक स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशंस आती हैं और जिन नोटिफिकेशंस में हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी होती हैं, तो गाइस हमको उन नोटिफिकेशंस को हाइड करना चाहिए ताकि वो सेंसिटिव कंटेंट किसी को ना दिखे लॉक स्क्रीन होने के बाद। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स ऐप में, और सेटिंग्स ऐप में जाने के बाद हम यहाँ पे सब देखेंगे कि नोटिफिकेशंस कहाँ हैं, तो नोटिफिकेशंस पर क्लिक किया और इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स वाले आइकन में ऊपर, और यहाँ पर लिखा है ऑन द लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हाइड सेंसिटिव नोटिफिकेशन कंटेंट। तो गाइस इसके बाद क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन तो दिखाई देगी लेकिन उसका जो मेन कंटेंट है वो दिखाई नहीं देगा आपके फ़ोन को लॉक होने के बाद। तो गाइस इससे बेनिफिट ये होगा कि जो आपका मोस्ट सेंसिटिव कंटेंट है वो किसी को दिखाई नहीं देगा। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड सेटिंग की। गाइस जैसे ही आप कोई अपनी ऐप खोलते हैं तो आप देखते हैं ऊपर या नीचे या पॉप अप होकर आपकी स्क्रीन पर एड्स आने लगते हैं, तो गाइस आप इन एड्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक कम कर सकते हैं। तो गाइस इन एड्स को कम करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स ऐप में और यहाँ पर देखेंगे गूगल कहाँ पर है, और गूगल वाले ऑप्शन पर हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड्स पर क्लिक करेंगे, और एड्स पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है ऑप्ट आउट ऑफ एड पर्सनलाइजेशन को हम ऑन कर देंगे। और गाइस इसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक कम एड्स दिखाई देंगे अपनी एप्स के अंदर। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं अपनी थर्ड सेटिंग की। तो गाइस जैसे ही आप अपने फ़ोन को बिना लॉक किए रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन बंद हो जाती है लेकिन आपका फ़ोन प्रॉपरली लॉक नहीं हो पाता है। तो गाइस अपने फ़ोन को प्रॉपरली इंस्टेंटली लॉक करने के लिए आप जाएंगे सबसे पहले सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप सर्च करेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में जाने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स वाला आइकन प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इमिडिएटली को सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका फ़ोन की लाइट बंद हो जाएगी वो तुरंत लॉक हो जाएगा। गाइस मोस्टली जब हम अपने फ़ोन को बिना लॉक किए रख देते हैं तो उसके बाद उसकी स्क्रीन कुछ टाइम के बाद टर्न ऑफ होती है। तो गाइस उसको मिनिमम टाइम में टर्न ऑफ करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले सेटिंग्स में, उस सेटिंग्स में जाने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्लीप को, और यहाँ पर स्लीप टाइम 1 मिनट है, हम इसको कर देंगे 15 सेकंड्स। तो गाइस जैसे ही आप अपने फ़ोन को रखेंगे वो 15 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी। गाइस अब बात करते हैं अपनी फोर्थ सेटिंग की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप अपनी बैटरी को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में, उस सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखेंगे बैटरी को और बैटरी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप 3-डॉट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी दो ऐप्स दिखाई दे रही हैं जिनके नीचे लिखा हुआ है नोट ऑप्टिमाइज्ड। तो गाइस जितनी भी ऐप्स आपकी नोट ऑप्टिमाइज शो हों उन सबको आप ऑप्टिमाइज कर दीजिए, तो इससे क्या होगा आपकी बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा देर तक चलेगी और आपके इश्यूज जो बैटरी से रिलेटेड हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगे।